उत्तर प्रदेश के एटा में 3 दिन पूर्व कलयुगी बेटे ने रुपए और प्रॉपर्टी की खातिर पिता को उतारा मौत के घाट। जल निगम में तैनात मृतक 55 वर्षीय केशव प्लम्बर की उसकी ही शराबी और जुआरी बेटे संतोष ने लोहे के बेलचा से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बेटा पिता से रोड साइड की 6 बीघा कीमती जमीन बेचकर रुपए चाहता था। कोतवाली नगर क्षेत्र के रेलवे रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 10 मार्च को थाना कोतवाली नगर पर सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नगला गोकुल में एक खेत के पास बनी झोपड़ी में 55 वर्षीय एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की छानबीन की गई। उक्त प्रकरण में मृतक के सर पर गंभीर चोटें आई हुई थी। हत्या का अभियोग दर्ज हुआ। घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि इसमें मृतक के बड़े पुत्र के द्वारा ही मृतक की हत्या करना पाया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।